ये सही है भाई रूथलेस अग्रेशन एरा जो एरा जिससे मैंने डब्ल्यूब्ल्यू देखनी शुरू करी उसके टेन बेस्ट एंट्रेंस थीम सॉन्ग को आज हम देखने वाले हैं शु, 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 शु। तो थीम सॉन्ग्स यू नो इज पार्ट ऑफ डब्ल्यूब्लू एंड थीम सॉन्ग्स के बिना हम सबको पता है कि डब्लू डब्ल्यू कैसी होने वाली थी इट वुड बी जस्ट फ्लैट पोरिंग जस्ट लाइक एनी बॉलीवुड मूवी दैट यू आर गोइंग टू वॉच अगर बची तो क्योंकि भाई बॉयकॉट इतना कर रहे हैं मेरे को तो पता है रात में मैं ये सोचने लग गया कि यार मेरा नाम चेतन है मैं ये देखना चाहता हूँ कि चेतन कहीं कोई रिलीजियस या पॉलिटिशियन से कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं ये कहीं पता चलेट हो रहा हूं फ्री फंड का। थीम सॉन्ग उतने अच्छे नहीं निकले तो आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको उनका जानना है कि उनकी क्या रीजनिंग है सिर्फ हेडलाइन पढ़ के रीजनिंग बताऊंगा कि इस प्लेस पर डिजर्व करता है या फिर नहीं जिसमें नंबर पर टेन पर इन्होंने रखी है द रॉक का थीम सॉन्ग इज इस... कुकिंग रूथलेस एग्रेशन के स्टार्टिंग में आई गेस द रॉक का ये वाला जो देखने को मिला था हील वाला परसोना जिसमें वो गिटार लेके आते थे एंड आई थिंक इस 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 परसोना का सबसे मेमोरेबल मोमेंट लोगों का वही रहा होगा जिसमें गोल्डबर्ग ने स्पीयर मार दी थी द रॉक को राइट right? बट उसका जो थीम सॉन्ग था द रॉक का आई फील लाइक मोस्ट पीपल रिमेंबर दिस कि हाँ यार कितना अच्छा थीम सॉन्ग था ये वापस लाना चाहिए आई फील लाइक कि नहीं लाना चाहिए आई अंडरस्टैंड कि द रॉक के कैरेक्टर के लिए स्पेशली उस कैरेक्टर के लिए बहुत सही फिट बैठ रहा था सिंस हॉलीवुड से ट्रांस कर रहे थे and, you know, him, time, जब हमने द रॉक के पुराने आया आई गेस नंबर टेन डेफिनेटली डिजर्व करता है सबसे नीचे एंड दैट डिपेंड्स कि क्या कोई ऐसा थीम सॉन्ग है जो कि एक्चुअली में नंबर टेन पे आ सकता था जो कि इस लिस्ट में नहीं है एंड विल सी पूरी लिस्ट देखने के बाद थीम सॉन्ग नंबर रखा नाउ बाय जॉन सीना। वेल भले ही ये कितना भी आइकॉनिक थीम सॉन्ग हो आई थिंक लोग इसको थोड़ा नीचे रख ही देते हैं आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द रिपिटिशन जो इसके अंदर है टें टे टें, 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 टें और पूरे में यही चलता रहता है the time is up, time is ये जो रैप है जॉन सीना का मेरे को लगता है कि जॉन सिना की पूरी एल्बम में जितने भी रैप्स हैं आई थिंक दे वर वेरी अंडर रेटेड एंड बेसिक थेमिक्स का रैप सबको याद रहता है बट मेरे को लगता है कि द टाइम इज नाउ का रैप भी काफी बढ़िया था एंड कम ऑन यारेन इट टू रूथलेस अग्रेशन एरा आई थिंक जॉन सीना का थीम सॉन्ग ही है जो कि एक अलग ही वाइब दे देता है आपको रुतलेस अग्रेशन की याद दिला देता है वही टाइम था जब जॉन सिन्हा ने ये वाला थीम सॉन्ग अपना ट्रांजिशन किया था फ्रॉम बेसिक थर्गोनॉमिक्स

कि स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग के दस सेकंड के बाद ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं उस थीम सॉन्ग के अंदर काफी थीम सॉन्ग होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड होते हैं आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ नहीं है बट एक मोमेंट आता है जब आपको दे देता है फॉर का जो दिस फायर थीम सॉन्ग था इट इज नॉट दैट मच स्पेशल बट जब सीएम टर्न you know, बकल पे आके खड़े होकर अपना सिग्नेचर पोज मारते हैं और उस टाइम पर जो पीछे ट्यून बजती है आई थिंक वो घूसबम्प देता है तो वो एक स्पेशल मोमेंट होता है थीम सॉन्ग के अंदर जो कि अफकोर्स मेरे को लगता है कि अड़ी गे रोके थीम सॉन्ग के अंदर नहीं था बट स्टिल आई थिंक इट वॉज ए डिसेंट थीम सॉन्ग बट टू से एच के थीम सॉन्ग से बढ़िया था आई थिंक दैट इज टू मच नंबर सिक्स पर है आई वॉक अलॉन पापा भाई बटी का ये आई वॉक अलोन का थीम सॉन्ग तो ठीक है लेकिन उसके पहले जो लाइक जो इवोल्यूशन से बिछड़ने के बाद यूज़ किया था बटी ने प्रो वो कितना किलर था वो लाइक सही में बैड लगता था ऐसा लगता था कि भाई हाँ कोई एनिमल जो है केज से छूट के बाहर आ रहा है और आपको डरना चाहिए लिरिक्स उसमें डाल के आई डोंट नो कि अच्छा किया या बुरा किया बट आई फील लाइक के बटी की जो स्टार्टिंग है आई थिंक इट इज़ गु एक, एक अलग ही मॉन्स्टरस वाइब दे देती है आई थीम सॉन्ग किंग ऑफ किंग ब्रो ये थीम सॉन्ग रैंडमली आ गया कहीं से एंड वी वर लाइक की भाई हम लोग ये क्या विटनेस कर रहे हैं मोटर हेड ऑलरेडी एक आईकोनिक थीम सॉन्ग बना चुका था एंड नाउ इन दे जस्ट क्रिएटेड अनदर क्लासिक लाइक ट्रिपल एच के दो थीम सॉन्ग दोनों बैंगर्स एटलीस्ट रिसेंट के केस में एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्ली वर्जन ऑफ ट्रिपल एच थीम सॉन्ग बट आई थिंक द गेम और किंग ऑफ किंग्स जो दोनों के दोनों थीम सॉन्ग है मेरे को लगता है वो किसी भी एंगल से आप कहीं पर भी ले जाओ वो टॉप टेन के लिस्ट में कहीं ना कहीं से बैठ ही जाएंगे आई थिंक दैट इज द रीजन शायद इसको इस लिस्ट में रखा गया है एंड आई लवड की इस थीम सॉन्ग का मैंशन हुआ बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम के हम

लीटर का थीम सॉन्ग लव फ्यूरी पैशन एनर्जी ब्रो सी आई टोल्ड यू मैंने कहा था कि नो टॉप थ्री में ऐसा कोई थीम सॉन्ग होगा जिसको मैं इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ एंड फॉर मी लीटा का थीम सॉन्ग लीटा का थीम सॉन्ग को मैं किसी भी पोजीशन में एज के थीम सॉन्ग से रिप्लेस कर सकता हूं तो यहां पर मेरे एज का थीम सॉन्ग आ जाएगा आई डोंट थिंक सो कि लीटा का थीम सॉन्ग उतना कुछ खास था आई अंडरस्टैंड यार लेजेंड्स है लेजेंड्स का थीम सॉन्ग है बट दैट डजंट मीन कि अब जब रैंकिंग कर रहे हो तो आप कुछ भी कर दोगे नो नो फॉर मी आई थिंक एज का थीम सॉन्ग इधर जगह बनाएगा अब अगर ये कह रहे हो कि लीटा का थीम सॉन्ग इसी एरा में आया था I

इसको टॉप टीम टॉप टू में कह सकता हूं कि हाँ भाई आप बने रहो क्योंकि उससे बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई है तो आई डोंट थिंक कि हमें यहां पर कोई चेंज करने की जरूरत है एंड नंबर वन पर इज ऑफकोर्स का रेस्ट इन पीस काफ़ी आइकॉनिक थीम सॉन्ग है काफ़ी लोगों की फेवरेट्स की लिस्ट में मेरी फेवरेट्स की लिस्ट में ये इसीलिए नहीं आता बिकॉज आई डोंट नो कि क्यों नहीं आता इवन दो जब भी ये थीम सॉन्ग चलता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ और मेरे को पता नहीं एक अलग सी वाइब आती है बट फिर भी फेवरेट्स की लिस्ट में नहीं है बट वेन सममन से कि हाँ ये उसका नंबर वन फेवरेट थीम सॉन्ग है तो मेरे को ऐसा भी नहीं होता कि क्यों है आई आई फील लाइक कि हाँ सही है ऑफकोर्स चॉइस बनती है तो अंडरटेकर की स्पेशल आई एंट्रेंस आई गेस ये थीम सॉन्ग की वजह से भी बनती है तो थोड़ा क्रेडिट तो थो देना बनता ही है एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो डेफिनेटली अगर मेरे को इसमें से एक थीम सॉन्ग पिक करना हो जो कि मेरे को लगता है कि आप मेरे रूथलेस अग्रेस एरा को बनाया हुआ आई थिंक बटीस्टा एंड जॉन सीना लाइक इन जनरली बटिस्टा एंड जॉन सीना ने रूथलेस अग्रेशन बना दिया था बट उनके थीम सॉन्ग भी कुछ उसी तरीके के थे एनी वेज दैट सेट फॉर दिस वीडियो डेफिनेटली कॉमेंट्स में आप अपना फेवरेट रूथलेस अग्रेशन एरा की तरफ से थीम सॉन्ग बताना कौन सा था और अगर आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो